पेटीएम के बॉस विजय शेखर शर्मा अब एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विजय शेखर शर्मा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने यह नोटिस 197 कम्युनिकेशन एलटीडी के उन बोर्ड मेंबर्स को भी भेजा है जो आईपीओ जारी करने के दौरान कंपनी के साथ जुड़े थे। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का इश्यू नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ था। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सेबी को शक है कि विजय शेखर शर्मा और बोर्ड के सदस्यों ने आईपीओ लाने के दौरान कुछ फैक्ट्स को गलत दिखाया था। सेबी का यह नोटिस विजय शेखर शर्मा और बोर्ड मेंबर्स के नियमों का पालन न करने पर दिया गया है। सेबी ने यह जांच आरबीआई से मिली कुछ जानकारियों के आधार पर शुरू की है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि इस साल की शुरुआत में ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच की थी। उसी से मिले इनपुट के आधार पर अब विजय शेखर शर्मा सेबी की नजरों में आ गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ ये है कि क्या विजय शेखर शर्मा को कंपनी के प्रमोटरों के तौर पर माना जा सकता था, क्योंकि जब आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे तो उनके पास कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल था, ना कि वो एक कर्मचारी थे। इस वजह से सेबी ने बोर्ड के उन सदस्यों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिन्होंने विजय शेखर शर्मा के इस फैक्ट को स्वीकार किया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह भी बताया कि लिस्टिंग के बाद शर्मा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी ESOP के लिए अयोग्य हो जाते, क्योंकि सेबी के नियमों के मुताबिक आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स को ESOPs नहीं मिलता है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सेबी 197 कम्युनिकेशन और डायरेक्टर्स को ईमेल भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया, सेबी का मानना है कि विजय शेखर शर्मा को प्रमोटर माना जाना चाहिए और इस हिसाब से उन्हें ESOPs नहीं मिलना चाहिए था। कंपनी के बोर्ड के सदस्यों का ये काम था कि वो फाउंडर के दावों की पुष्टि करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्र के मुताबिक सेबी पहले भी कंपनी के डायरेक्टर्स पर कार्रवाई कर चुकी है, तब ये मामला वित्तीय हेराफेरी से जुड़े थे, लेकिन ताजा मामला काफी रेयर है जब सेबी डायरेक्टर्स पर ये आरोप लगा रहा है कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और ना ही मर्चेंट बैंकर्स और ऑडिटर ने इस तरफ ध्यान दिलाया। क्या है पूरा खेल? जब तक कोई कंपनी खुद को प्रोफेशनली मैनेज्ड की कैटेगरी में नहीं रखती, तब तक यही माना जाता है कि उस लिस्टेड कंपनी को प्रमोटर ही चला रहे हैं। कोई कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड तभी मानी जाती है जब उसके किसी भी शेयरधारक के पास 10% से ज्यादा हिस्सेदारी ना हो। इसके साथ ही किसी भी एक शेयरधारक के पास नियंत्रण का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। पेटीएम के मामले में देखें तो आईपीओ का डॉक्यूमेंट शामिल करने से पहले विजय शेखर शर्मा ने अपनी 5% हिस्सेदारी एक फैमिली ट्रस्ट VSS होल्डिंग्स को ट्रांसफर कर दिया था। इस ट्रांसफर से पहले 197 कम्युनिकेशन में शर्मा की हिस्सेदारी 14.6% थी, जो घटकर 9.6% रह गई। नियम के मुताबिक ये 10% से कम हो गई। इसके अलावा शर्मा ने बोर्ड और कंपनी का कुछ नियंत्रण भी अपने पास रखा। ऑफर डॉक्यूमेंट के मुताबिक VSS होल्डिंग्स ट्रस्ट पर पूरी तरह शर्मा का अधिकार है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने यह दावा किया था कि शर्मा का ट्रस्ट के 5% हिस्सेदारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस मामले में एक अहम मुद्दा यह है कि सेबी ने लिस्टिंग के 3 साल बाद कार्रवाई शुरू की है। सेबी के पास 2021 में ही डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए गए थे। असल में एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने भी इस मामले की तरफ ध्यान दिलाया था, लेकिन सेबी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले के बाद एक्शन लिया है। अगस्त 2023 में शर्मा नीदरलैंड की कंपनी एंटफिन होल्डिंग से कंपनी में 10.3% स्टेक खरीदने पर सहमति जताई थी। विजय शेखर शर्मा ने यह हिस्सेदारी रेसिलियंट एसेट मैनेजमेंट BV के जरिए खरीदी थी और इस पर मालिकाना हक उन्हीं का है। अगर कोई अलग अलग कंपनी के जरिए हिस्सेदारी खरीदता है तो ये मिलाकर देखा जाता है कि उसका कुल स्टेक कितना है। वैसे अभी रेसिलियंट एसेट मैनेजमेंट BV की हिस्सेदारी को FDI माना गया है। कंपनी ने जून 2024 के अपने शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में ये दिखाया था।